हरदोई के संडीला से बीजेपी विधायक ने निजी अस्पताल पर बेटे के इलाज में लगाया लापरवाही का आरोप। स्वास्थ्य मंत्री से कर चुके हैं शिकायत, मामले में पुलिस नहीं दर्ज कर रही केस। 45 दिनों में देश में कोरोना के सबसे कम नए मामले, 24 घंटे में 1,73,000 नए केस। अलीगढ़ शराब कांड में बढ़ा मौतों का आंकड़ा, 22 हुई मरने वालों की संख्या। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान। अलीगढ़ शराब कांड के बाद सीएम योगी ने गृह और आबकारी विभाग को दिए सख्त निर्देश, अभियान चलाकर 48 घंटे में शराब की हर दुकान की करे जांच, अवैध शराब बिक्री के मामले में करे कार्रवाई। सीएम योगी ने पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को किया नमन, प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अर्पित की श्रद्धांजलि, बोले किसानों के मसीहा थे चौधरी चरण सिंह जी। तंबाकू नियंत्रण की कोशिश के लिए WHO ने की योगी सरकार की तारीफ, बेहतरीन काम के लिए मिला 2021 का इंटरनेशनल नो टबैको डे अवार्ड। रायबरेली के अवैध शराब बनाने वालों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला, मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, अवैध हथियारों की तस्करी के मामले में भू माफिया लल्लू यादव को गिरफ्तार किया गया। सीतापुर में शादी समारोह के पंडाल में उतरा करंट, 4 लोगों की मौत, 4 की हालत नाजुक, आंधी और बारिश के बाद हादसा। स्वामी रामदेव और IMA विवाद में सामने आया आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का संगठन नीमा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर IMA को दोषी डॉक्टर्स पर कार्रवाई की मांग की। हरदोई में पुलिस ने अवैध शराब बनाते हुए 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, मौके से भारी मात्रा में अवैध शराब और लहन बरामद। भगौड़े IPS मणिलाल पाटीदार को लेकर हाईकोर्ट सख्त, पाटीदार का पता लगाने और अब तक की गई पुलिस की कार्रवाई की मांगी गई रिपोर्ट, 14 जून तक हलफनामा दाखिल करने के निर्देश। आगरा में 2 गुटों में हुई फायरिंग, गोली लगने से एक युवक की हुई मौत, एतमादोला थाना क्षेत्र के कालिंदी विहार इलाके में चली गोली। रुद्रप्रयाग में सेना के जवान से ठगी के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 16 लाख रुपए की धनराशि वापस कराई, फर्जी कॉल से 16 लाख का हुआ था घपला। मुरादाबाद के देवापुर गांव में अंडे को लेकर 2 पक्षों में विवाद के बाद मारपीट, मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज। महाराजगंज में खुद को दूल्हे की प्रेमिका बताते हुए शादी का विरोध करने पहुंची महिला को लोगों ने पीटा, वीडियो हुआ वायरल। गोंडा में पेड़ काटने को लेकर 24 मई को हुए विवाद में घायल एक युवक के इलाज के दौरान मौत, नाराज परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर घंटों तक किया हंगामा। बागेश्वर के एक नामी स्कूल पर जिला प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई, प्रशासन ने कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा, स्कूल पर कोरोना काल में प्रैक्टिकल परीक्षाएं कराने का आरोप। सहारनपुर में मस्जिद में इमाम की नियुक्ति को लेकर हुआ विवाद, 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, 8 लोग हुए जख्मी, पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से जख्मी, एक मौके से फरार, आरोपी से अवैध हथियार मिले। बिजनौर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, मौके पर आरोपी से अवैध हथियार बरामद। कन्नौज में खेत से तरबूज तोड़ने पर खेत मालिक ने बच्चों के साथ हैवानों जैसा किया व्यवहार, मुंह पर कालिख पोत कर लिखा चोर। गाजियाबाद जिला जेल में 4 कैदियों ने पैरोल पर जाने से किया इनकार, कहा सजा पूरी होने पर ही जेल से जाएंगे बाहर। बौखलाए राकेश टिकैत की सरकार को धमकी, लंबा चलेगा आंदोलन, भूख का व्यापार नहीं करने देंगे, कोरोना काल में कानून जब बन सकते हैं तो रद्द क्यों नहीं। एयर इंडिया की बड़ी लापरवाही, दिल्ली से अमेरिका जा रहे प्लेन में चमगादड़, पैसेंजर एरिया में चमगादड़ देखने के बाद प्लेन की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। गृह मंत्रालय ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के गैर मुस्लिम शरणार्थियों से मंगाए भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन, 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए लोगों को दी जाएगी सिटीजनशिप। सीमा पर हलचलों को लेकर चीन को भारत के 2 ट्रूप सेना प्रमुख, जनरल नरवणे ने कहा टकराव वाली सभी जगह से सैन्य वापसी के बिना नहीं खत्म होगा तनाव।
यास के बाद बंगाल में सियासी तूफान मचा। मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को दिल्ली बुलाया गया। प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में देर से पहुंचे थे बंदोपाध्याय। संकट के समय भारत का साथ देने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को धन्यवाद दिया। साथ ही कहा, कोरोना के खिलाफ मिलकर लड़ते रहेंगे भारत अमेरिका। 1 जून से हवाई सफर हो जाएगा महंगा। एविएशन मंत्रालय ने 15% तक बढ़ाया किराया।